नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। विधानसभा नजदीक आते ही शिलान्यास और उद्घाटन का सिलसिला जारी। आज करोड़ों की 77 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पटना पीएमसीएच में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सर्जिकल इमरजेंसी सहित 3 अन्य सुविधाओं का किया उद्घाटन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे। लालू प्रसाद यादव ने कृषि विधेयक बिल को लेकर ट्वीट कर नीतीश और मोदी पर साधा निशाना। कहा एपीएमसी बंद होने के कारण बढ़ा बिहार से पलायन। 25 सितंबर को बिहार में कृषि विधेयक बिल के विरोध में राजद करेगा राज्यव्यापी प्रदर्शन। प्रदर्शन में भाकपा करेगा चक्का जाम। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने किया ऐलान। कहा बिहार विधानसभा में राजद का साथ देगी समाजवादी पार्टी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का बयान। कहा जल्द ही बिहार के सभी गांवों में 4G इंटरनेट सेवा होगी बहाल। 8 नवंबर से दरभंगा से दिल्ली मुंबई बेंगलुरु के लिए हवाई सेवा होगी शुरू। मिथिलांचल के लोगों का सपना होगा साकार। उत्तर प्रदेश से बिहार के लिए शुरू होगा 166 बसों का परिचालन। दिवाली से पहले शुरू होगी बसों का संचालन। देश की तुलना में बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की सबसे ज्यादा सीटें खाली। बिहार के सरकारी स्कूलों में 272,055 पद खाली। बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन का दामन थामेगी सीपीआई और भाकपा। सीट शेयरिंग को लेकर बैठक का दौर जारी। बिहार में बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा आज 30 सितंबर को जारी होगा रिजल्ट। भागलपुर गोराडी में आपसी विवाद में छोटे भाई ने बड़े भाई की चाकू मारकर की हत्या। सातपुर गांव में 2 भाइयों के बीच हुआ खूनी खेल। पानी भरने को लेकर हुए विवाद में मोहम्मद शोएब की हुई हत्या। आरोपी मोहम्मद आजम फरार। गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। नाथनगर के माधवपुर में जमीन विवाद को लेकर हुआ खूनी खेल। भतीजा ने चाचा को मारी गोली, मौके पर हुई मौत। जमीन विवाद में सूर्य नारायण मंडल की हुई हत्या। आरोपी भतीजा ने चाचा पर चलाई 5 से 6 राउंड गोली। 2 गोली लगने से हुई सूर्य नारायण मंडल की मौत। विधानसभा चुनाव को लेकर भागलपुर जिला पुलिस की तैयारी शुरू। 314 दागियों पर सीसीए की तैयारी। 10,000 से अधिक लोगों से शांति भंग का खतरा। विधानसभा चुनाव को लेकर जिला प्रशासन वोटरों को करेगा जागरूक। पिछले लोकसभा चुनाव में कम मतदान वाले बूथों पर चलाया जाएगा विशेष अभियान। तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 26 केंद्रों पर बीएड सीईटी की परीक्षा संपन्न। कोविड-19 को लेकर तय गाइडलाइन का हुआ पालन। नवगछिया के बीहपुर के हरियो में भाजपा का जन संवाद कार्यक्रम आयोजित। राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन सहित प्रदेश प्रवक्ता सम्राट चौधरी ने लिया हिस्सा। विश्वकर्मा पूजा के दिन भागलपुर 0 माइल स्थित महाकाल मोटर्स में आयोजित बार बालाओं का आर्केस्ट्रा को लेकर पुलिस सख्त। आर्केस्ट्रा में शामिल 8 लोग चिन्हित, सभी की होगी गिरफ्तारी। एंटीबॉडी कमजोर होने पर दोबारा भी हो सकता है कोरोना। पटना में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्ति दोबारा हुए संक्रमित। भागलपुर में नहीं थम रहा है कोरोना संक्रमण का मामला। सोमवार को जिले में 37 कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। भागलपुर मायागंज अस्पताल में नहीं थम रहा है मौत का सिलसिला। 6 घंटे के भीतर एक युवती समेत 2 लोगों ने तोड़ा दम। मायागंज अस्पताल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रखी आधारशिला। वर्चुअल मोड से डायग्नोसिस सेंटर का किया उद्घाटन। भागलपुर स्मार्ट सिटी में 5 खाली पड़े पदों के लिए 80 लोगों ने दिया आवेदन। स्क्रूटनी और इंटरव्यू के बाद 2 एग्जीक्यूटिव 3 कंप्यूटर ऑपरेटर पदों पर होगी बहाली। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए सिल्क टीवी के साथ। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।